खवातीनों हजरात, इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है तो प्लीज हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए। पर देसी स्क्वाड यार, आज मैच है लाहौर वर्सेस मुल्तान का फाइनल पीएसएल मैच, तो आज आपका भाई जा रहा है और साथ कुछ खास दोस्त भी जा रहे हैं और मजा बड़ा आना है। लाहौर को यार प्लीज प्लीज लाहौर जीत जाना प्लीज। नॉर्मली बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है लाहौर की, लेकिन इस साल तो कमाल कर दिया। तो दफा मैच भी लाहौर में है तो मजा बड़ा आएगा। अभी बस ड्राइवर का इंतजार हो रहा है, जैसे वो आता है तो हम चलते हैं। किधर मरा रहा है, जल्दी बैठ। आ गया मेरा ड्राइवर। शर्म आ रही है मेरे आईफोन को तेरे आईफोन के आगे। नानी वाले अगर तू देख रहा है ब्रो, ये देख ले रिप्लेसमेंट जरा। ब्रो वैसे ऑनेस्टली मैंने इस साल फॉलो बिल्कुल नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं है। डकी का मुझे फोन आया कि भाई जाना है, मैंने कहा भाई चलते हैं। पचास रुपए हैं। क्या कह रहा है? पचास रुपए हैं तेरे पास। ये सुन रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा यूट्यूबर हो के ये देख, दोबारा बोले पचास रुपए हैं। यकीन कर मुझे इतनी खुशी होती है ना जब दोस्तों की शादी होती है। मैं भी गैंग में घुस जाऊंगा, शादी गैंग में। अपना है नवंबर दिसंबर में प्लान है कोई। ओए नवंबर दिसंबर यानी फुल सर्दियों में भाई। शुवारे खाना शुरू कर दे। कोई भी एडवाइस चाहिए ना शादी के बारे में, कोई भी तो मुझे ना पूछिए। नहीं शादी इज गुड यार, मैरिड लाइफ एक्चुअली बड़ा सुकून है। आइडिया है नहीं, तुझे कोई आइडिया नहीं है ब्रो। नहीं एक्चुअली नवंबर दिसंबर मतलब फिलहाल यही वर्बली यही है। ओके okay. कुछ फाइनल होगा तो तुझे तो बताऊंगा मैं। तीन चार महीने पहले बताऊंगा, तब मैं चीफ गेस्ट और फोनर बनना है। ओए ओए ब्रो, सारा मुजरा मैंने डालना है, सारियां वेला मेरियां। भाभी ना मिलाना कदो। हां बस बताओ, कुछ टाइम निकालो, करते हैं कोई। वो टाइम ही टाइम, भाभी से क्या टाइम। बस उसके पेपर शेपर हो रहे हैं। ओए ओए हां तो बिजी है। Oh my God, protective! पेपर शेपर हो रहे हैं। यार डकी को ऐसे देखते हुए ना बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ा याके, बड़ा याके। So we have PK in the house. Yo yo. PK, मैंने PK से पूछा क्या कर रहा है। PK कहता है bro, I'm here to take over, bro. ये ओ ओ। मैंने कहा भाई ये तो तूने पिछली दफा बताया था, आ गया। नहीं इस बार different feel हो रहा है मुझे, different वाली feeling आ रही है। यार मुझे ये चाहिए। ये कितने की है अपना ब्रो? 50% ऑफ लगाओ, क्या हो गया? 50% ऑफ, 50% ऑफ की ना अभी ले ले। ठीक है लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है ना पैसा डाल के गोल्ड मार्क क्रिप्टो के सुन डाल के डुबा के बैठे हैं तुम। 50% ऑफ की अभी ले लो, जब ये सेल खत्म कर देगा महंगी बेच। ब्रो ये तो मुझे सेल उतारनी पड़ेगी, ये तो पागल हो जाएंगे इस तरह करने। rahimpardesi.com पे जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ परदेसी कॉन्डोम्स ब्रो, राहिम परदेसी कॉन्डोम्स। ऐसे ऐसे फ्लेवर निकालूंगा ना आप, हर चीज तो आप निकाल दी, आप खुद अपने मुंह में डालोगे। राहिम परदेसी डिल्डो भी होना चाहिए ब्रो, वो तो स्पेशली तेरे लिए बनेगा। एक्स्ट्रा लार्ज। फिलहाल वी आर गोइंग टू द स्टेडियम, शवीर हमारे आगे इस वक्त और हम उनके पीछे हैं। हम स्टेडियम के बाहर पहुंच गए हैं, एज यू कैन सी फुल रश लगा हुआ है। और डक्की जो है क्या कर रहा है? डकी तू क्या कर रहा है बाहर? रश बॉल कराने लगा हूं। बॉल हार्ड बॉल मैच है तेरा। डकी तू क्या कर रहा है? मैं बस पीछे एंजॉय कर रहा हूं। कहां बच्चे का भाई, लाइटें इतनी बाहर लगा दी है, कहीं बाहर तो नहीं मैच हो रहा? ओह माय गॉड, आई एम हियर, आर यू? आपने देख लिया डकी का रिएक्शन जब उसको शवीर नहीं मिला। गाइस Ready? हम जैसे ही स्टेडियम की तरफ जा रहे थे तो मैंने देखा किसी ने पीएस वेयर पहना हुआ है, सो आई डिसाइडेड क्यों ना हम लाइव प्रोडक्ट रिव्यू लें। Yeah, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। What's the review on PS with? Yeah, it's really good. I have one another one as well. You have another one? Yeah, तो भाई रिव्यू तो हिट है, आप भी PS वेयर 50% ऑफ का फायदा उठाएं। इस बलंगड़ को मैं समझाता रहा हूँ कि भाई लैपटॉप ना लेके जाओ, तुझे नहीं अंदर आने देंगे, लेकिन नहीं, इसने अपनी जिद पूरी की कि भाई मैंने स्टेडियम के अंदर लेके ही जाना है और मैंने वहां बैठ के एडिटिंग करनी है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, उन्होंने पीके और डकी को अंदर आने नहीं दिया, लेकिन हमने अपना सफर कंटिन्यू किया और पहुंच गए अपने मंजिल, द ग्रेट गद्दाफी स्टेडियम।
अब मसला ये था कि डक्की ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमारी वाली सीट्स वहां होंगी, लेकिन हमारी टिकट की सीट्स यहां पे थी। ये हमारा व्यू चेक करें जरा। खैर, हमने फिर भी बहुत इंजॉय किया। माहौल जो था वो फुल चौकस था। तो जनाब, लाहौर कलंदर पहले बैटिंग कर रही थी और अचानक सबने नारा लगाना शुरू कर दिया, वीजे वीजे वीजे। अब ये नहीं पता कि कहां के वीजे मांग रहे थे। और उसके बाद लाहौर कलंदर वालों ने बाउंड्रीज की बारिश कर दी। भाई जी, लाहौरियों ने तो बहुत ही तगड़ा टारगेट दिया। फिर हाफ टाइम पे कुछ फैंस के साथ हमने हेलो हाई की। मजाल है कि इस कैमरामैन ने हम पे कैमरा मारा हो, ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ बच्चियों पे आता था। खैर, उसके बाद हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई, लेकिन हमारी टीम भी ठंडी होगी क्योंकि मुल्तानियों ने हमें शुरू में खूब मारा और हमारी हालत टाइट। यार, हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर स्टिल हियर। चले जाओ, घर जाओ, अभी चले जाओ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमने मुल्तानियों के विकेट्स गिराना शुरू कर दिए और ये मैच वापस हमारे हाथ में आ गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? बस खुशी है यार, मेरा शहर जीता है आज लाहौर। I'm proud, you know, हम बिल्कुल एंड पे आके इसने इस बात बदले अपने। उल्लू का पट्टा है, इसने कहा बॉक्स के टिकट्स मिलेंगे, नहीं मिले। हम पता है कहाँ गए थे ब्रो? हम वहां गए थे जहाँ नहीं जाना चाहिए था किसी को भी। दुनिया के स्टेडियम्स होते हैं, उनकी ना सीट लेवल्स होते हैं, सही है? एक होते हैं बॉक्स सीट्स, जो कि मिलते हैं, जो कि हमें वहां पे सिक्योरिटी वाला देख के कहता है, सर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उससे नीचे थोड़े से वीआईपी होते हैं, वीआईपी सेक्शन, उसके नीचे होता है स्टैंड्स, सही? अरे बॉयज, तो फाइनली लाहौर कलंदर जीत गए और मुल्तान हार गया। मैं मुल्तान मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रहे हो? जो जिसकी टीम भी हारेगी, क्योंकि जैद मुल्तान से, मैं लाहौर से, जिसकी टीम भी हारेगी, जैद उस व्लॉग के अंदर अपने उसके चेहरे पे गधे का एक सेकंड तो बाकी लगा, लगा, लगा लिया तूने? जैद तूने लगा लिया ऑलरेडी? अपने ऊपर ही लगाऊंगा, अब लगा रहा हूं। तुम अपने ऊपर लगाओ ना लगाओ, एक ही चीज है बस। बात सही, बात कर भी कौन रहा है।